वेलकम टू cctvguard.com प्रोडक्ट सेल्स ट्रेनिंग। आज हम बात करेंगे अटेंडेंस सिस्टम के बारे में। अटेंडेंस सिस्टम एज द नेम सजेस्ट इज यूज्ड फॉर अटेंडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। तो अटेंडेंस सिस्टम का बेसिक काम है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी अटेंडेंस लेना। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। तो पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर की। तो मेजरली हार्डवेयर में हम बात करेंगे तो हार्डवेयर के अंदर मेजरली टू पार्ट में इसको डिवाइड किया जा सकता है। एक तो फिंगरप्रिंट अटेंडेंस सिस्टम और एक होता है फेस अटेंडेंस सिस्टम। और भी उसमें आता है, वेन रिकॉग्निशन भी आता है और आपका लॉन्ग रेंज फेस रिकॉग्निशन भी आते हैं, बट वो अभी रेगुलर में नहीं चल रहे हैं। तो फ्यूचर में आएंगे, डेफिनेटली विल मेक ए वीडियो ऑन दैट। तो लेट्स कम टू द प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल। तो अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक फिंगरप्रिंट अटेंडेंस सिस्टम है जिसके अंदर 1000 यूजर्स की कैपेसिटी है। तो पहले हम इसका स्पेसिफिकेशन समझ लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। तो हम इसको देखते हैं स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं इसके अंदर। फिंगरप्रिंट यूजर्स में 1000 है। 1000 यानी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 1000 एम्प्लॉयज हैं तो ये सपोर्ट कर सकता है। या अगर किसी एक पर्सन के तीन फिंगर अपन सेव कर रहे हैं तो इसको डिवाइड बाय 3 कर लो तो उतने नंबर ऑफ यूजर्स फिंगरप्रिंट इसमें सेव कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर इनबिल्ट कार्ड रीडर ऑप्शन आता है जिसमें 1000 कार्ड्स होते हैं। पासवर्ड्स भी किए जा सकते हैं, इसमें ऑप्शनल होता है बट जनरली पासवर्ड यूज में नहीं लिया जाता क्योंकि पासवर्ड दिख जाता है तो कोई भी किसी और के अटेंडेंस भी कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अटेंडेंस रिकॉर्ड की कैपेसिटी इसके अंदर 1 लाख है। 1 लाख का मतलब ये है कि अगर 1 लाख पंचेज इसके अंदर सेव हैं तो आपका मशीन से डेटा डाउनलोड करे बिना भी उसमें डेटा इतना सेव रहेगा 1 लाख पंचेज का। पंचेज मतलब रोज का जो लॉग है। मान लीजिए किसी फैक्ट्री में 10 एम्प्लॉयज हैं तो रोज के 20 लॉग्स होंगे ऐसे 1 लाख तक। ठीक है, इसके अंदर बैटरी बैकअप भी आता है। तो ये तो एक मशीन हो गई। इसके बाद एक और मशीन है इसमें 3000 यूजर्स हैं, 2 लाख ट्रांजेक्शन मेमोरी है। इसमें आपका इनबिल्ट वाईफाई भी है। फिर मैंने आपको जो बताया था फेस अटेंडेंस, वो ये वाला मशीन आता है। इसमें आपका फेस अटेंडेंस भी होता है, आपका बायोमेट्रिक भी है, कार्ड भी है एंड पासवर्ड भी है। तो इसकी डिटेल बात करते हैं तो 1000 फेस इसके अंदर सेव हो सकते हैं, 5000 फिंगरप्रिंट कैपेसिटी, कार्ड कैपेसिटी इज 5000, पासवर्ड इज 1000 एंड द लॉग कैपेसिटी इज 3 लैक्स। इसमें इनबिल्ट बैटरी बैकअप होता है, लैंड कनेक्टिविटी होती है तो हम लोकल लैंड पे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा RF कार्ड्स आते हैं जो कॉन्टैक्टलेस होते हैं। इन कार्ड्स को विद इन 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मशीन पे दिखाना पड़ता है, उससे अटेंडेंस हो जाती है। तो मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिसके फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है और उसका फेस भी काम नहीं कर रहा, वैसे जनरली दोनों काम नहीं करें ऐसा होता नहीं है बट मान लीजिए होता है तो उसको हम कार्ड भी दे सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर जो है बेसिकली कनेक्ट होता है सॉफ्टवेयर से। उसमें टोटल 3 टाइप से सिस्टम डिवाइड होता है। तो फर्स्ट तो होता है आपका डेस्कटॉप बेस्ड, ठीक है ना। सेकंड होता है आपका वेब बेस्ड, वेब बेस्ड लोकल सर्वर, और थर्ड है आपका क्लाउड बेस्ड। अब डिटेल में अपन एक एक चीज को समझ लेते हैं। डेस्कटॉप बेस्ड यानी कि लोकल किसी भी एक कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, वो लोकल लैन पे उस मशीन की कनेक्टिविटी हो जाएगी, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो उससे सारा डेटा हम सॉफ्टवेयर में लोकल देख सकते हैं, मतलब वो डेटा कहीं और से हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है ना, जनरली ये यूज होता है जहाँ पे एक मशीन लग रही है, दो मशीन लग रही है, उससे ज़्यादा नहीं लग रही, वहाँ पे हम डेस्कटॉप वाला सॉफ्टवेयर दिया जाता है। ठीक है ना, सेकेंड हम पॉइंट पे आते हैं वेब बेस्ड लोकल सर्वर बेस्ड। मान लीजिए कोई ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे एक फैक्ट्री है, उसकी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और वहाँ पे करीबन 30-40 मशीन्स लग रही हैं। अब उन सभी को सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हमको चाहिए तो वहाँ पे एक कंप्यूटर के अंदर वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है। उसका फ़ायदा ये है कि
सारी मशीन्स ऑटोमेटिकली डेटा पुश करती हैं उस कंप्यूटर पे, ठीक है ना। उसका फिक्स्ड आईपी हम डिफाइन कर देंगे उस कंप्यूटर का। तो स्टैटिक आईपी डिफाइन करने के बाद सारी मशीन्स सारा डेटा लाइव उस मशीन पे ऑटोमेटिक पुश करेगी। तो उस मशीन से डेटा वेब बेस्ड फॉर्म में रहेगा, तो किसी भी कंप्यूटर पे उस ऑर्गेनाइजेशन में, लोकल ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंप्यूटर से लॉगिन करके रिपोर्ट देखी जा सकती है। इसमें एक बेनिफिट और है कि मल्टीपल यूज़र बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए ओनर का एक अकाउंट बन गया, एचआर का एक अकाउंट बन गया, ठीक है ना, किसी और को हमको राइट्स देने हैं देखने के लिए, तो हम वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर में वो राइट्स अलोकेट कर सकते हैं और वो वहाँ से लॉगिन करके देखा जा सकता है। इससे एक स्टेप फर्दर आता है क्लाउड बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम। क्लाउड बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली कंपनी का क्लाउड है, उसका डेफिनेटली जो चार्ज है वो कंपनी को पे होता है, बट उसमें ये रहता है कि जितने भी मशीन्स हैं वो कॉन्फ़िगर हो जाएंगी क्लाउड बेस्ड सिस्टम में, और सारा जो डेटा है वो कंपनी के सर्वर पे, क्लाउड पे जाएगा ऑटोमेटिकली। एनी टाइम दुनिया में कहीं से भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा देख सकते हो लॉगिन करके कंपनी के क्लाउड पे, ठीक है। अब अगर हम क्लाउड पे पहुंच गए, यानी कि वेब पे पहुंच गए डायरेक्टली, तो हम मोबाइल पे भी देख सकते हैं। यस, तो कंपनी ने इसकी मोबाइल एप्स दे रखी हैं एंड्रॉयड एंड आईओएस दोनों के लिए। तो यू कैन व्यू योर डेटा ऑन मोबाइल फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट और है कि हर एम्प्लॉय का सेपरेट लॉगिन मिल जाता है। अगर हम मोबाइल पे आ जाते हैं तो हर एम्प्लॉय का सेपरेट लॉगिन बन जाता है, तो हर एम्प्लॉय सेपरेटली अपना लॉगिन करके, तीन चार बेनिफिट्स पॉइंट मिल जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो हो गया आपका कि वो अपना लीव मैनेजमेंट कर सकता है, लीव डाल सकता है, लीव अप्रूवल हो सकता है। सेकंड, फील्ड वर्कर है तो वो जीपीएस पंच लगा सकता है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय आपका ऑफिस नहीं आ रहा, डायरेक्टली कहीं पे जा रहा है, तो वो जीपीएस पंच लगा सकता है विद फोटो, विद लोकेशन। तो और जो एडमिनिस्ट्रेटर है, एचआर है, वो उसका पंच को चेक करके और उसको अप्रूव कर सकता है कि वो राइट पंच है कि नहीं। उसके अलावा अगर डिपार्टमेंट वाइज या एसएमएस भी देना है, तो बल्क एसएमएस सर्विस भी इसमें कॉन्फ़िगर हो सकती है, तो ऑटोमेटिक एसएमएस भी जा सकते हैं। हर एम्प्लॉय के अंदर जो भी नंबर हम सेव करेंगे उसमें ऑटोमेटिक एसएमएस भी जा सकते हैं। तो बेसिकली इसका मेजर यूज़ क्या है कि एक कंपनी जैसे वर्ल्ड वर्ल्ड में उसकी 15 जगह लोकेशंस हैं, या इंडिया में 15 जगह लोकेशंस हैं, और सभी जगह अलग अलग मशीन्स लगी हुई है, एचआर एक लोकेशन बैठता है, तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हो सकता है। वो एक ही लोकेशन से सभी जगह कंट्रोल कर सकता है और सभी जगह का डेटा वो एक ही जगह से प्रोसेस कर सकता है। तो बड़ी कंपनीज के लिए बेस्ट चीज़ होती है क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका क्या एप्लीकेशन से कहाँ कहाँ ये अटेंडेंस सिस्टम यूज़ होता है। तो अटेंडेंस सिस्टम बेसिकली SMEs हो गया आपका, फैक्ट्रीज हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, होटल्स एंड रिसॉर्ट्स, और एनी बिजनेस जहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे अटेंडेंस सिस्टम चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में यू कैन नॉट डू मैनुअल अटेंडेंस, तो ऑटोमेटिक अटेंडेंस सभी को ज़रूरत है। तो ये मशीन्स उसमें काम देती हैं। होप यू हैव गॉट एवरीथिंग। थैंक्स फॉर नाउ।